तो देखो, ये एक आसुस का बोर्ड है। इसका भी मॉडल नंबर जो भी है P5G41T MLX3। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी 38 मीन्स डिस्प्ले आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये P5G41T MLX3 तो यहाँ पर ही स्टॉक हुआ है, ठीक है। तो आसुस लोगों पे जाकर स्टॉक हो गया। अभी ये जो कस्टमर था, इनको मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये बोर्ड नहीं होगा, आप दूसरा बोर्ड ले लो। तो उनको मैंने कॉन्सिस्टेंट का 41 चिपसेट का बोर्ड सजेस्ट कर दिया। अभी कम बजट में यही आता है, क्योंकि आसूस गीगाबाइट MSI पे तो जा नहीं सकते, वो बैकडेट वाला चिपसेट का बोर्ड मैन्युफैक्चर करता नहीं है। तो ऐसी टाइप की अगर प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप डायरेक्टली बता दो कि भाई आपका, आप एक बार काम करो, आप एक बार बायस को, यह बायस यहाँ पर है, बायस को एक बार रिप्रोग्राम कर लो। अगर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है तो ठीक है, आराम से बना दो। बायस रिप्रोग्राम करने के बाद भी ये प्रॉब्लम अगर फिक्स नहीं होता है, तो आप कस्टमर को सजेस्ट करो नया बोर्ड लेने को, या फिर भी आपको ज़बरदस्ती करे कि नहीं मुझे ये ही बोर्ड बना दो, तो आप 7 डेज तक इसका वारंटी देना, ठीक है। अगर आप ये बोर्ड बना रहे हो तो 7 डेज तक इस बोर्ड का वारंटी देना। उसके बाद 8 डेज में भी प्रॉब्लम होगा तो उसका जिम्मेदार वो है, कस्टमर है, ठीक है। तो अभी क्या है, ऐसी बोर्ड तो आए तो अगर कोई फोर्स करे तो आपको तो रिपेयर करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रिज का इशू है, बायस का इशू नहीं है। तो देखो, ये ICH का इशू है, और ये लगभग बहुत ही ज़्यादा हिट हो रहा है। तो अभी ऐसे तो मैं फील नहीं करवा सकता आप लोगों को, तो एक थर्मल कैम्स लेना पड़ेगा मे बी, या फिर टेम्परेचर मीटर लेना पड़ेगा एक। तो यहाँ पर जो ब्रिज है, मतलब साउथ ब्रिज जो है, ये बहुत ही हीट हो रहा है, हीट सिंक में बहुत हीट लग रहा है। तो अगर हीट सिंक निकाल के उंगली रखूँगा तो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा फिंगर। तो यही का लोचा होता है इस बोर्ड में, या तो इस ब्रिज का, या तो इस ब्रिज का, मतलब साउथ ब्रिज का या फिर नॉर्थ ब्रिज का, दोनों में से किसी ना किसी एक ब्रिज का प्रॉब्लम आएगा। अगर FF कोड 00 डिस्प्ले नहीं है तो समझ जाओ इसी का, और डिस्प्ले है, अगर कुछ हैंग स्टाक हो गया है लोगों पे, तो समझ जाओ इसका। तो इसको रिफ्लो करने से मे भी हो सकता है, मे भी हो भी नहीं सकता है। तो जो भी होगा होगा। तो फिर से एक बार ऑफ कर दो। तो मैंने वीडियो बनाया था, चला के रखा था बोट को, एक बार ऑफ करना है बोट को। ऑफ किया, अभी फिर से मैं एक बार बोट को टिगर दे के दिखाता हूँ। फाइनली देखो, ये कोड वेरिएशन सब कुछ हो जाता है, और देखो अच्छे से कोड वेरिएशन होता है, डिस्प्ले भी आता है। ये आ गया, अभी ये देखो 38 डिस्प्ले आ चुका है। अभी यहाँ पर स्टक हो जाएगा और कहीं पे नहीं जाएगा। तो ये जो अभी प्रॉब्लम है, ये बायोस से नहीं हो रहा है, पर आपके केस में क्या है, यही वीडियो देखे हो और बोर्ड यही आया है, डायरेक्टली यहाँ पर हिट नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर हिट नहीं करना है। मैंने पहले कहा आपके केस में बायोस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसी टाइप के केस बायोस से भी आता है, ज़्यादातर ब्रिज से आता है, पर मतलब 50-50 चांसेस है, 50% ब्रिज से आता है और 50% बायोस से आता है। तो आपका केस में 50% बायोस ही हो जाए, आप एक बार ट्राई कर लो। और ऑफिशियल बायोस इसका मिलता है, इजीली डाउनलोड करो, प्रोग्राम करके एक बार देख लो। चिप भी रिमूवेबल है, बहुत ही आसान है। नॉर्मली आप नोस प्लस यूज़ कर सकते हो, या फिर जो चिप रिमूव करने वाला सॉकेट मिलता है, ऐसे टाइप के सॉकेट यूज़ कर सकते हो, इससे आराम से निकल जाता है। तो अभी मैं इसका देखो, अभी भी यहाँ पर है, बायस पे नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली इसको रिफ्लो करूँगा, ठीक है। बायस का इशू नहीं है, कि ये बोर्ड कल आया था, मैंने बायस ऑलरेडी इसको एक बार किया, देखा हुआ नहीं, तो कस्टमर ऐसे बोर्ड छोड़ के चला गया, लेके भी नहीं गया। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक केस स्टडी बना लेते हैं, ताकि जो भी देखेगा उनको कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो मैंने कस्टमर को चाहता तो बना के दे सकता था, पर उन्होंने कहा ठीक है नया दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सुना मैंने जो कहा, तो आज नया बोर्ड दे दिया। और सोचा ये बोर्ड को मैं अभी स्क्रैप पे फेंकने वाला हूँ, तो सोचा एक वीडियो बना दूँ।
ये सारा बोर्ड जब बीजीए मशीन आएगा तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं रख रहा हूँ, बाद में जब बीजीए लूँगा तब इसको फिक्स करूँगा। तो अभी तो नहीं होगा, फिलहाल परमानेंटली फिक्स नहीं होगा अभी। तो ये जो स्टक का लोगो है इसी से ही आ रहा है। अगर मैं एक बार रिप्लो करूँगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वीडियो में डालूँगा। आपको भी जानना चाहिए कि कहाँ से होता है और क्यों होता है। और मेरे केस में तो बायोस का इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बायोस इसका करके देखा। और ये ओवर हीट है, ये साउथ ब्रिज ओवर हीट है। अगर ये ओवर हीट नहीं रहता तो इस पर मैं थोड़ा और भी ध्यान लगाता, पर ओवर हीट है उसके बाद स्टक है। और इसमें बोर्ड में एक भी कैपेसिटर, कहीं पर भी मुझे पोलराइज कैपेसिटर यहाँ पर जो है वो ख़राब नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए मैं ये थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, इसको रिप्लो कर रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत कुछ जानना होता है, देखना होता है, मतलब उसके बाद जाके हीट करना होता है। पहले ही बोर्ड मिला, वीडियो देख के रखा था एक बहुत दिन पहले, तो आया तो हिट कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मे बी ये फिक्स हो जाएगा, ये जो लोगों पे अटक रहा है फिक्स हो जाएगा, पर ये बोर्ड तो उन तक नहीं जाएगा, मेरा स्क्रैप पे चला जाएगा। मैं बस केस स्टडी बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग अभी 4 AM हो चुका है रात को, तो और 5-7 मिनट में काम करूँगा, उसके बाद सोना है, नहीं तो मेरा जो पैरोट है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देगा और मैं सो नहीं पाऊँगा। तो मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल रहा हूँ, और आप थोड़ा सा लाइक करते हो तो वीडियो को मुझे भी अच्छा लगता, पर करते बहुत सारा लोग लाइक करते नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत सारा लोग करते हैं, पर व्यूज़ के हिसाब से लाइक्स कम आते हैं, और थोड़ा ज़्यादा आते तो मुझे भी अच्छा लगता। बहुत हीट है ये अभी भी। तो चलो इसको ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसको हटा देते, पहले एक बार देख लेता हूँ। हाँ, क्या वो लोगो पे स्टक है या फिर आगे कुछ जा रहा है, देखते हैं एक बार। तो इसको मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगा, क्योंकि ये फालतू टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं इसके ऊपर। और कार्ड कहाँ है, ये कार्ड है। चलो पावर दिया, ट्रिगर दे रहा हूँ, ठीक है। D098, तो देखते
नहीं नहीं होगा ये बोर्ड नहीं बनेगा, जितना कोशिश था मैंने किया। मे बी और एक बार रिफ्लो करने से हो जाए, नहीं भी हो सकता है, पर ठीक से और एक बार रिफ्लो करने से हो भी सकता है। ठीक है, तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, अगर ऐसे केस दिखे एक बार बायस करो, ना हुआ तो आप एक बार आराम से बोट फुल बोट को चेक करो। यहाँ पर जो पोलराइज कैपेसिटर होता है, ये अगर ऊपर से फुला हुआ लगे नियर बाई ब्रिज, दोनों ब्रिज ICH MCH, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पर चार, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब ये वाला अगर आपको कहीं भी ख़राब लगे तो उसको रिप्लेस करो, उस केस में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पर मेरा केस में ऐसा नहीं है, मेरा केस में ये ब्रिज का ही इशू है, साउथ ब्रिज का ही इशू है। ठीक है, अभी भी लोगों पे स्टक हुआ है, तो इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, इसका बीजी आएगा तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो छोटा सा वीडियो था, बस नॉलेज को शेयर किया, कौन सा केस में क्या करना चाहिए। ऐसा कोई भी बोर्ड हो सकता है, मेरे पास अभी आसूस है, आपके पास अलग कोई ब्रांड का आ सकता है, डुअल हब वाला बोर्ड जो आता है, इसी में ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है, मतलब साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज ICH। अगर ये ICH, इसको हम ICH और MCH बोलते हैं। ठीक है, और AMD में जाते हैं तो साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, तो ये इंटेल में है अभी, तो ये साउथ ब्रिज और ये सॉरी ये ICH और ये MCH, और AMD में जाता तो ये देखो ऑफ हो गया। तो इसका टाइम ही इतना है, ये बहुत हीट हो गया अभी जो है, ये ओवर हीट, बहुत अभी बहुत हीट है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो 100% अभी श्योर हो गया कि यही से इसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर से टिकर देके देखते हैं, देखो फिर से ये चलेगा, पर ये ऑफ हो रहा है, मतलब ये ओवर हीट हो रहा है। जब भी इसका ब्रिज साउथ ब्रिज ओवर हीट हो रहा है ICH, तो फिर से डिस्प्ले आया है और उसी लोगों पे अटके हुआ है। देखो ये कुछ टाइम बाद जाके ऑफ हो रहा है, तो एकदम जेन्युइनली अभी प्रूव हो गया कि इसी ब्रिज का ही इशू है। तो इसको रिफ्लो करने से और नहीं होगा, इसको रिवॉल्व करना है। ठीक है, या फिर चिप को चेंज करके लगाना है, नया चिप डालना है, डालेंगे तो ये बोर्ड रेडी हो जाएगा। तो बस वीडियो इतना ही है, जो भी सीखे हो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।